बाहर निकलने से पहले कलेक्टर मार दे रही है बिना बातचीत के। मैं तो हैरान हूँ सरकार के दृष्टिकोण पर। अगर कोई गलती करता है तो उसको दंडित करने का काम सरकार का है। अब इसी भोपाल में कमलनाथ जी बताएं, जब वो सीए के खिलाफ रैली निकालते हैं तो धारा 144 हटा दी जाती है और भीड़ इकट्ठी करने में प्रशासन लग जाता है। अब वो करें तो पुण्य और हम करें तो पाप। और हम सब जानते हैं सीए संसद के दोनों सदनों ने पारित किया हुआ है। कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि कोई राज्य सरकार सीए का विरोध जो संसद में पारित होकर कानून बनाए विरोध नहीं कर सकता, लेकिन कानून का विरोध करने वाले धरने पर बैठे, रैली निकालें, किसी भी सीमा तक जाए पूरी अनुमति है, और जो कानून का समर्थन कर रहे हैं उनको बंधक बना के पीटा जा रहा है। सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, मंदिर के प्रांगण में थे, वहां से पीटा तब बाहर भागे, बाहर पीटा थप्पड़ मारे, राष्ट्रध्वज को पकड़ के खींचा, भारत माता की जय बोलने पर थप्पड़ मारे जाएंगे, राष्ट्रध्वज का अपमान किया जाएगा। और इनका अहंकार इतना बढ़ गया कि कालर पकड़ पकड़ के और उस कार्यक्रम में शामिल लोगों को पीटा जा रहा है। और बाद में कार्रवाई तो दूर, थाने में पीटा जा रहा है, धाराएं लगाई जा रही है। किसको डरा रहे हो कमलनाथ? कितनों को जेल भोजोगे, कितनों को मारोगे? ये बदहवास सत्ता का नशा उतारने में जनता देर नहीं लगाती, और हम भी तैयार है। दम है तेरे दमन में कितना देखा है और देखेंगे। जुल्म के सामने हम झुक नहीं सकते, इसलिए विरोध करना हमारा धर्म है। हम प्रतिकार करेंगे इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई का। झूठी कहानियां गढ़ी जा रही है और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पिटे उन्हीं पे आरोप लगाए जा रहे हैं। हम लोग कल जा रहे हैं सर। सरकार